भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला, चिटफंड कंपनियों में लगा दिए 111 करोड़ रुपए। ईओडब्ल्यू की जांच में भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। बैंक के जिम्मेदारों ने चिटफंड कंपनियों में निवेश कर दिया 111 करोड़ को एनपीए बताकर डुपत खाते में डाल दिए। पूरी जानकारी दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश के बहुचर्चित टेंडर एमसीयू और शिस्त घोटाले इस शिवराज शासन में हुए। एक और घोटाला और ईडब्ल्यू ने शिकंजा कस दिया। नया घोटाला भोपाल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है। जिम्मेदारों ने जमाकर्ताओं का पैसा बिना किसी गारंटी और सुरक्षा के चिटफंड कंपनियों में लगा दिया। अब ये चिटफंड कंपनियां न मूलधन लौटा रही हैं और न ब्याज दे रही हैं। ईओ की जांच, या दोस्तों ईओडब्ल्यू की जांच में भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। बैंक के जिम्मेदारों ने चिटफंड कंपनियों में निवेश किए गए 111 करोड़ को एनपीए बताकर डुबत खाते में डाल दिया। ईओडब्ल्यू जब जल्द इस घोटाले के एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। ब्याज के लालच में हुआ था सारा यह गड़बड़ घोटाला। ये घोटाला ज़्यादा ब्याज के लालच में किया गया। बैंक के अधिकारियों ने ज़्यादा ब्याज के लालच में ऐसी कंपनियों में जमाकर्ताओं का पैसा लगाया जो बंद होने के कगार पर पहुंच गई। बैंक ने ILNFS समूह मुंबई को दो कंपनियों ITNL और IETS में अक्टूबर 2017 को 11 करोड़ रुपये 9.5% ब्याज के लालच में दिए थे। अक्टूबर 2018 में जब एक साल पूरा हुआ तो पता चला कि ये कंपनियां पैसे देने की हालत में नहीं। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बैंक अफसरों ने एफडी एक साल के लिए बढ़ा दी। अब ये कंपनियां ब्याज तो देना दूर, मूलधन भी नहीं लौटाने की स्थिति में नहीं है। इस घोटाले की ऑडिट करने वाली निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था मेमर्स अग्रवाल एंड मित्तल बाबू एंड साबू छाजेड़ एंड कंपनी, सुभाष वर्मा, अनिल भागर्व शामिल है। तत्कालीन बोर्ड और अधिकारियों में IRS विश्वकर्मा, जीवन सिंह मैथिल, सुनील पुरोहित के साथ प्रताप सिंह गुज्जर, केवल सिंह ठाकुर, शिव नारायण मीणा, नरेश पाटीदार, रविंद्र ठाकुर, रतन सिंह, सुगमना बाई जाट, भैरव सिंह गुज्जर, पतिराम घोषी, संतोष मीणा व घोटाले में शामिल होने के आरोप लगा। या दोस्तों, इतने लोगों के ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं। अब इन सभी पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारे ज्वाइन का बटन भी दबाएं ताकि आपको कुछ अधिक जान